देखिए सक्सेस क्या होता है, सक्सेस का मजा क्या होता है। और मोदी जी तो अभी एक नारा दे रहे हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये अपने माँ बाप की इकलौती बेटी, सिर्फ सिर्फ बेटी। और बेटे बेटों से भी बढ़ के काम की। आज वो माँ बाप कितने खुश होंगे वो ही समझ सकते हैं। अपने सेकंड अटेम्प्ट में टॉप 10 में आना, थर्ड रैंक, रुचि शर्मा डिप्टी कलेक्टर, और एक अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और पीएससी मतलब पेशेंस, है ना, पीएससी मतलब पेशेंस। और पेशेंस का जो सब्र का जो फल है बहुत मीठा होता है। ये आज रुचि, उनके घर वाले और सबसे ज्यादा उनके टीचर्स, हम लोग ही समझ सकते हैं इस खुशी को, हम लोग महसूस कर सकते हैं। और आपके सामने अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी, है ना। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैम, अब आपको तो पता है सीजीपीएससी थर्ड रैंक अचीव किया मैंने, और मुझे पता है आप लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, लेकिन वो सब क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था सीजीपीएससी 2014, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, उसमें मैंने 216 रैंक लाया था, और इस बार ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था जिसमें मैंने थर्ड रैंक लाया। और दोनों में अंतर सिर्फ इतना था, पहले अटेम्प्ट में मैंने सर की बात नहीं मानी थी, अपना दिमाग लगाया था, और जो सर लोग जैसे बताते हैं, हम लोग रहता है, मेरे को पता है, मैं खुद स्टूडेंट हूँ इसलिए मुझे पता है, हम लोग जब पढ़ते हैं तो हमको ये लगता है कि अरे वो कुछ दूसरा बता दे, वो पढ़ लें, वो बता दे, वो पढ़ लें, है ना। लेकिन और हम लोग वो सब में भटक जाते हैं, और जो हमको रियलिटी में हमको जो पढ़ना होता है हम वो नहीं पढ़ते, और हम लोगों को सर जो यहाँ पे बताते हैं हम वो चीज को इग्नोर कर देते हैं, या फिर उसके बजाय और बाकी चीज पढ़ने लगते हैं। इसलिए मेरा जो सीजीपीएससी 2014 था उसमें 216 रैंक आया था। ये वाला जो पीएससी मेरा हुआ, भगवान की दया से मैंने ये चीज समय रहते समझ ली कि अब मुझे जो सर बता रहे उसको फॉलो करने, मैंने ब्लाइंडली वो चीज फॉलो की है। ब्लाइंडली मतलब मैं आपको बता दूं, मैंने 1% भी इधर उधर नहीं सोचा है। सर जो बताते थे पूरा फेथ, पूरा सब कुछ, और केवल वही परिणाम है कि मैंने आज थर्ड रैंक स्कोर किया है। तो मैं आप लोगों को बस इतना ही बताना चाहूंगी कि जो सर बता रहे हैं सिर्फ उसको फॉलो कीजिए और आप बिल्कुल अचीव कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू। आप लोगों के मन में जो भी क्वेश्चंस हो अपनी तैयारी को लेके, हालांकि हम लोग तो सब बताते ही, जैसा रुचि बोल रही, सर सर की बातों को ब्लाइंड फेथ करिए, फिर भी कुछ आपके अंदर में बातें होंगी मैनेजमेंट को लेके, अपने जो भी शंकाएं होंगी उनको दूर करने के लिए आप पूछ सकते हैं कुछ भी। मैम गुड आफ्टरनून। मैम गुड आफ्टरनून, और आपको बधाई हो मैम अपनी कोचिंग से थर्ड पोजीशन हासिल करने के लिए। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग जनरली पढ़ते हैं ना तो बहुत डाउट रहता है, जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि ये पढ़ ले वो पढ़ ले या सब कुछ पढ़ ले, तो वैसे टाइप से हमको यानी कि अपना बेस एम कैसे सेट करें कि प्रॉपर उसी वे में पढ़े अपन, या और बीच बीच में फ्रस्ट्रेशन भी आ जाता है मैम कि जैसे एक अटेम्प्ट नहीं हुआ फिर हम लोग छोड़ देते हैं, यार ध्यान दो अगले बार कर लेंगे, ऐसा टाइप का, यानी दिक्कत होता है फिर उसमें, तो कैसे मैनेज करें ये बताएं। फ्रस्ट्रेशन तो होती है, रियलिटी है, और जो भी डाउट होता है सर लोगों से पूछो। मैं तो सर लोगों को बहुत परेशान करती थी, मतलब ऐसा होता था कि सर लोग घर निकल रहे होते थे फिर भी प्लीज सर प्लीज सर। तो आप लोग परेशान मत कीजिएगा, लेकिन जो भी डाउट होती है सर लोगों से तुरंत पूछिए, और सर वो जितने भी आपके डाउट्स होंगे ना सर लोग क्लियर करते हैं, है ना, तुरंत। लेकिन उस चीज को पेंडिंग मत रखिएगा, बस ये एक राय रहेगी मेरी कि पेंडिंग मत रखिएगा, जो भी डाउट होगी उसको 1-2 दिन के अंदर में पूछ लीजिएगा। और फ्रस्ट्रेशन तो होती है, रियलिटी है, लेकिन हमको खुद को निकलना है उससे, तो अपने आप को समझाएं, है ना, क्योंकि उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। आप फ्रस्ट्रेट होंगे तो आप अपना ही टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि पढ़ना तो फिर भी वही है, तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। आज नहीं होगा तो कल होगा, लेकिन होगा जरूर, है ना। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। अभी जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है तो इस समय टाइम को हम कैसे मैनेज करें? जैसे जो भी आपके सब्जेक्ट्स होंगे, स्ट्रांग सब्जेक्ट्स होंगे, जी उसको भी टाइम देना। जैसे मैं मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ,
तो मैंने देखा है कि जो मैथ्स बैकग्राउंड वाले होते हैं वो मैथ्स को टाइम नहीं देते, और जब मेन एग्जाम जब होता है तो वहां पे टाइम मैनेज नहीं कर पाते, वो गलती करते हैं। तो आप अपने जो भी स्ट्रांग सब्जेक्ट्स हैं उसको कम टाइम दीजिए, लेकिन जो वीक सब्जेक्ट्स है उसको आप ज्यादा टाइम दीजिए। और जैसे सर लोग बताते हैं कि वो पेपर्स में नोट करने वाला बताए हुए होंगे सर लोग कि जो जो आपको आती नहीं चीजें वो पेपर्स में नोट कर लें, शॉर्ट नोट्स बना लें और उसको सिनॉप्सिस बना लें और उसको पढ़ें, वैसी ही स्टडी अच्छी होती है एग्जाम टाइम के लिए। तो वैसी स्टडी बहुत फायदेमंद होती है। ये ना स्कूल और कॉलेज के एग्जाम नहीं है कि जैसे आप सोचेंगे ना, जैसे हम लोग का स्कूल या कॉलेज में होता था कि एग्जाम वाली नाइट में अपन पढ़ेंगे रात भर और सुबह जाके अपन एग्जाम दिलाएंगे, है ना। मैम होते हुए भी नींद नहीं आती रात को, पेपर नहीं बनता कैसे? उसके लिए तो वही है कि आप पहले से प्रिपेयर्ड रहे, है ना, और अपने अपने आप को कंट्रोल करना आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग जो पीएससी है ना, मैं पीएससी का जो हम लोग का पैटर्न है, मैं इसको बहुत सराहती हूँ। मैं ये पूरा साइकोलॉजिस्ट जो तैयार करते हैं ना, जैसे साइकोलॉजी को तैयार करते हैं अपन, पूरा वैसी तैयार है ये। एक दिन में आपको दो पेपर दिलाने हैं, कंटिन्यू चार पेपर दिलाने हैं, आपको नींद सारी चीजें खुद से मैनेज करनी है, जो सुबह का टाइम होता है शाम का टाइम होता है दोनों टाइम पेपर होता है, कंटिन्यू आपको 6 घंटा लिखना है, है ना। तो वो खुद अपने आप एक बार अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, और उस टाइम अगर जैसे रिविजन का प्रॉब्लम आता है सिनॉप्सिस बना के कीजिए, सिनॉप्सिस बहुत फायदा करता है। मैम तैयारी रहता है, फिर रात को ही नींद नहीं आता, सुबह पेपर दिलाने जाओ भूल जाते हैं। बस अपने आप को डिप्टी कलेक्टर समझो, आप बोलो कि मैं बस मेरी फुल तैयारी है और बस मेरे को सोना है। जिस सब्जेक्ट में ज्यादा कॉन्फिडेंस रहता है नंबर उसी में कम आ जाता है, तो हाँ ये ओवर कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस नहीं है। तो मैम उसके लिए तैयारी कैसे किया जाए? आप जब तक मतलब एग्जाम रहता है ना दिलाते हो, जितना भी डाउट है सबको क्लियर करके एग्जाम दिलाना। मतलब एग्जाम देने आप जब जा रहे हो ना, तो आपके दिमाग में एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए, है ना। जब बैठ रहे हो पूरा सब चीज क्लियर, तभी तो मैं बोल रही हूँ जो भी डाउट है उसको तुरंत क्लियर करना, कल या परसों के लिए मत टालना, क्योंकि वो टालोगे और फिर एग्जाम के दिन याद आएगा तो फिर हड़बड़ा जाओगे। जानते हुए क्वेश्चन गलत हो जाता है? नहीं, वो मैनेजमेंट है, वो टाइम मैनेजमेंट है, है ना। उसके लिए आप खुद की, जैसे सर लोग तो यहाँ पे टेस्ट सीरीज करते हैं, है ना, इसके अलावा आप खुद से अपना टेस्ट दीजिए। मैम मेंस की बात करूँ, मेंस का जैसे रिटर्न, मेंस में भी खुद से टेस्ट कीजिए। जैसे सर ने ही मुझे गाइड किया था, अभिजीत सर ने ही बताया था कि वीक में जैसे आप ग्रुप बना लीजिए 4-5 स्टूडेंट्स का, और वीक में खुद से टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए, खुद से टेस्ट लीजिए, अपने दोस्तों से चेक कराइए। अगर ये वाली आपकी एक्सरसाइज रहेगी ना, तो जिस समय आपका एग्जाम रहेगा आपको उस समय डर नहीं लगेगा और सेम फीलिंग रहेगी। जो यहाँ पे जैसे आप टेस्ट लोगे ना, जैसे सर यहाँ पे नहीं ले पाते हैं, तो आप खुद से टेस्ट लीजिए, ग्रुप बना लीजिए, ग्रुप स्टडी कीजिए, तो वो फिर टाइम मैनेजमेंट, आपका राइटिंग प्रैक्टिस, सारी चीजें होंगी उससे। थैंक यू मैम। मैम लास्ट 2 महीना बचेगा प्री के बाद एग्जाम का, उसका फिर उसको कैसे तैयारी किया जाए पूरी सब्जेक्ट का? अगर आपकी पहले से तैयारी है, मतलब आपने एक बार पढ़ लिया, तो रिटर्न प्रैक्टिस कीजिए, राइटिंग प्रैक्टिस ओनली, है ना। बस सारे आंसर्स को लिख लिख के देखिए, सर लोगों से चेक कराइए। जैसे क्या होता है कि हम आंसर्स लिखते तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो बेस्ट आंसर होता है ना, हमको वो चीज समझ नहीं रहती। उसको आप अपने फ्रेंड सर्कल में, जो आप ग्रुप बनाए होंगे उसमें आप चेक कराइए, सर से चेक कराइए, तो उससे आपको अपनी गलतियां समझ में आएंगी। राइटिंग प्रैक्टिस रखिए, वो बहुत फायदा करता है। थैंक यू मैम। और कोई मन में कोई डाउट क्वेश्चन? देखो ऐसा नहीं है कि बहुत ब्रिलियंट है, ऐसा भी नहीं है ना, कंटिन्यू रहे कि ब्रिलियंट तो है नो डाउट, लेकिन उतना लाइफ जी भी है। ये हम लोगों की तिवारी सर और पटेल सर जी की तो लाडली रही है, और हम दोनों की छोटी बहन है, मैं ये बनी है इसलिए ऐसा नहीं है। इससे पहले से हमारे छोटे भाई लोगों के साथ पढ़ी हुई है, और ये जो बैच है, इन लोगों का जो बैच था बहुत प्यारा बैच था, और टीचर्स डे में एक यादगार एक्ट प्ले की थी अभी टीचर्स डे में आई भी थी यहाँ, है ना, अभी जो फंक्शन हुआ था बिलासपुर से जो बच्चे लोग आए थे उसमें ये भी थी, और एक बड़ा यादगार एक प्ले की थी टीचर्स डे में, पटेल सर का मिमिक्री की थी है ना। तो मतलब स्टूडेंट का हर एक मोमेंट एंजॉय करना, और साथ में पढ़ाई भी डट के करना,
उससे बड़ा अचीवमेंट नहीं है। बिल्कुल किताबी कीड़े बने रहना में भी मजा नहीं है, लाइफ भी जीना चाहिए, तो उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। और बस जो एम देख लिया आप, ठीक है ना, मैं भी आपको थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि यहाँ आग पैदा करो, बिल्कुल। जब ये मैं आप लोगों को जब रिजल्ट आया था तो मैं इसका गलती से थर्ड अटेम्प्ट कहा था, अभी वही इससे डिस्कस कर रहा था। इसका पहला अटेम्प्ट असिस्टेंट डायरेक्टर वाला था, वो मुझे ध्यान आ रहा था, इसलिए थर्ड अटेम्प्ट, और सेकेंड अटेम्प्ट था पीएससी का। ये है कि जब ये फर्स्ट अटेम्प्ट इसका जब 216 रैंक आया, तभी एग्जाम्पल दिया था घायल शेर वाला, अक्सर हर बैच में देता हूं, ये वाकई में घायल शेर की तरह फिर पढ़ी। मतलब पढ़ाई मतलब केवल पढ़ाई, सारा चीज भूल गई, सारा चीज किनारे। अगर दो और तो चार होता है मालूम है तो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ये एग्जाम्पल देता हूं अक्सर क्लास में, ये वो काम की, सारे टीचर्स के गाइडलाइन को मानी और उसमें आगे बढ़ी, है ना। बस आप लोग भी इस चीज को समझिए, चूंकि पीएससी का प्रोसेस ही थोड़ा लंबा है, आपका प्री अभी तो बहुत जल्दी हो जा रहा है, प्री मेंस इंटरव्यू और रिजल्ट एक साल में अब हो जा रहा है, एक से डेढ़ साल में, पहले तो कई साल लग जाते थे। तो आपको बस पेशेंस बना के रखना है और अपनी तैयारी अपने हिसाब से जज करना है, हमको क्या आता है और क्या नहीं आता इस चीज को देखना। हम कब से पढ़ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं, हमारे सिलेबस में जो चीजें हैं वो हमारा वो चीज तैयार हुआ कि नहीं हुआ वो इम्पोर्टेंट है, उन चीजों को जज करना है। समझ रहे हो आप सभी, है ना। और भी मन में कई बातें होंगी, और भी कुछ बातें होंगी, आप एक्सपीरियंस बिल्कुल ले सकते हैं। और मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप ऐसे की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, ऐसे की जो रूपरेखा होती है वो आप किस फॉर्मेट में लिखते हैं, कैसा लिखते हैं, प्रस्तावना जो होता है, तो उसके बारे में पूछना चाहूंगा। और दूसरा जो है साइंस के बारे में पूछना चाहूंगा। ऐसे का तो ऐसा है कि आप संपादकीय पढ़िए, पटेल सर बताते हैं कि संपादकीय कैसे पढ़ना है, उन्होंने गाइड किया था, मैं पूरा ए टू जेड वो जो सर जैसे शब्द सह बोले थे पूरा मैंने वही फॉलो किया। पटेल सर की क्लास हुई होगी तो आप लोग अटेंड किए होंगे, तो वो बताते हैं संपादकीय पढ़ना कैसा है, है ना। संपादकीय पढ़िए, सर तो जानते हैं कि मेरे को कोई संपादकीय समझ में नहीं आता था तो मैं सर लोगों के पास आ जाती थी, वो उसको पेपर कटिंग को लेके कि सर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उससे ऐसे की तैयारी बहुत अच्छी होती। अभी क्या हो रहा है ना, हम लोग का जो ऐसे आ रहा है, जैसे पिछले साल आया था हम लोग का ऐसे, एक आया था भूमंडलीकरण पे आया था और एक आया था वो असहिष्णुता पे, मतलब ये ऐसे ऐसे हैं जो आपको कहीं बुक में नहीं मिलेंगे और आप पढ़ के भी नहीं जा सकते, ये केवल आपके करंट नोट्स ये संपादकीय वगैरह से ही तैयार होते हैं, तो ऐसे के लिए वो कीजिए। और जैसे विवेक पटेल सर की क्लास हुई होगी तो उन्होंने बताया होगा कि कैसे रूपरेखा बनाना है, एज इट इज वही है, मैंने तो वही फॉलो किया है, तो सर बताते हैं प्रस्तावना में इतने शब्द ये शब्द आने चाहिए, है ना, वो पूरा गाइड करते हैं सर, पूरा सेम टू सेम वही फॉलो है। अच्छा, अभी सर की क्लास होगी ना तब वो आपको बताएंगे कि कैसे बनाना है रूपरेखा वगैरह, विवेक पटेल सर की क्लास होती है इसे की। और साइंस के लिए, हाँ साइंस बस थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है, हम टेंथ जो सिलेबस है टेंथ का है, लेकिन साइंस थोड़ा अच्छा पूछता है ना, अच्छे लेवल से पूछता है, लेकिन उसके लिए ऐसा भी नहीं, मैंने बहुत लोगों को देखा, अपने क्लासमेट्स को देखा है, वो लोग बीएससी एमएससी की बुक्स पढ़ते हैं, वैसा नहीं पढ़ना। ट्वेल्थ की बुक आती है युगबोध वगैरह की, युगबोध प्रबोध की, जो हम लोगों ने ट्वेल्थ में पढ़ी है, मोटी सी रहती है, वो पढ़िए, वो बेनिफिट करती है, है ना। उससे ज्यादा हाई लेवल का आपको पीएससी वाला आपसे ये नहीं एक्सपेक्ट करता कि आप ब्रिलियंट हो, आप साइंस में पीएचडी कर लो, ऐसा नहीं, वो बस एक क्वालिटी आंसर चाहता है आपसे, है ना, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछूं फिर, आप लोग प्रीलिम्स की तैयारी कैसे कर रहे हो? कैसे कर रहे हैं? अच्छा एक बात बताइएगा, हम इसमें से कितने जो पहले प्रीलिम्स दिला चुके हैं, अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, मतलब बाकी लोग अभी फर्स्ट टाइम है प्रीलिम्स अटेम्प्ट, तो आप लोग जो फर्स्ट टाइमर हैं उनसे मैं पूछ रही हूँ ना, आप लोग खुद से टेस्ट सीरीज करते हैं, तो कम से कम ये तो पूछिए कि मैम आप कैसे की थी। ये एक चीज है, अभिजीत सर ये चीज हमेशा बोलते हैं, जो यहाँ पे टेस्ट होता है वो तो होता है, वो ठीक है, वो होता है,
आप ग्रुप में कीजिए टेस्ट सीरीज, चाहे वो प्रीलिम्स चाहे मेंस चाहे कुछ भी, इवन इंटरव्यू भी आप खुद से तैयारी नहीं कर सकते है ना, तो ग्रुप बना लीजिए। बस एक मेरी तरफ से एक सजेशन रहेगा, ग्रुप बना लीजिए उसमें, हाँ ग्रुप भी अच्छा वाला ग्रुप ना, मतलब उसमें पढ़ाई की डिस्कशन होना चाहिए, कौन सी कल मूवी जा रहे हैं ये वाली डिस्कशन नहीं ना, पढ़ाई का डिस्कशन होना चाहिए। उसमें आप टेस्ट लीजिए, एक दूसरे से चेक कराइए, एक हेल्दी ग्रुप रहता है ना वो आपको बहुत बेनिफिट करता है। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल प्रीलिम्स के लिए इतना ही है। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम, कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू मैम। मेरा डाउट ये है कि अभी हम लोगों के पास टाइम बहुत ज्यादा कम बचा हुआ है और हम लोगों को डेली अपडेट्स मिल रहे हैं नई नई चीजों के बारे में, मीन्स नए नए सब्जेक्ट्स एंड अदर अपडेट्स, तो उनको पढ़ने के लिए हम लोगों के पास टाइम बहुत कम हो जा रहा है और चीजें हम लोग याद नहीं रख पा रहे हैं, तो वहां पर कैसे करेंगे फिर? ये तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा टाइम है, जो अभी जैसे क्लास में पढ़ रहे हो ना, बस उसको क्लास में पढ़ते चलो, उसको याद करते चलो, और वो एग्जाम देखो क्या रहता है ना कि आप 3-4 महीना पढ़े हो तो उसको आपको रिविजन की जरूरत रहेगी, ये तो अभी तुरंत क्लास में पढ़ रहे हो ना, तो ये तो बेनिफिट है आप लोगों के लिए, प्लस पॉइंट है मतलब ये तो। मैम तो इसको रिवाइज के लिए टाइम नहीं देना पड़ेगा, मीन्स मतलब जैसे आपको लगता है कि आपको रिविजन की जरूरत है तो रिवाइज कर लीजिए, कहने का मतलब अभी तुरंत पढ़ रहे हो ना तो ज्यादा उसमें आपको पर्सनली ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम लोगों की क्लास होती थी, जब हम लोगों ने मेंस की क्लास किया था, इंटरव्यू की सॉरी प्रीलिम्स की भी क्लास हुई थी, तो हम लोग जो क्लास में पढ़ते थे यहाँ पे हम लोग बस इतने ही पढ़ के जाते थे, और मतलब जो सर लोग जब पढ़ाते हैं ना तो वो आपको जो पैटर्न पढ़ाते हैं सेम पैटर्न है आपका, मतलब क्वेश्चंस भी वही आते हैं, हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है पर क्वेश्चन भी वही आते हैं, तो यहाँ पे आप पढ़ लीजिए, यहाँ पे समझ लीजिए, थोड़ा बहुत लगता है तो घर जाके रिवाइज कर लीजिए, बाकी मेरे हिसाब से तो अभी बहुत बेस्ट आपका समय चल रहा है, अभी जो पढ़ रहे हो आप लोग डबल कम से कम नहीं पढ़ना पड़ेगा। थैंक यू, वेलकम। मैं आपको बताना चाहूंगी जो मेरा पहला अटेम्प्ट था ना पीएससी 2016, उसको भी मैंने 2 ही महीने में तैयारी किया था, है ना, तो ये इम्पॉसिबल तो है नहीं कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, बस वही है अपने आप को भटकाना मत। क्या होता है ना कि हम मैं खुद भटकी हुई हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ, मैं शायद मेरा पहला अटेम्प्ट में जो मेरा 216 रैंक आया ना उसमें शायद मेरा 216 रैंक ना आके कुछ अच्छा रैंक आ जाता, लेकिन चूंकि मैं भटक गई थी दूसरों के बातों में आ गई थी इसलिए मैं मेरे स्कोर थोड़ा कम हो गया। सर जो बताते हैं पूरा टू द पॉइंट वही फॉलो कीजिए, जो भी डाउट होता है सर लोगों से तुरंत तुरंत चेक कराइए, तुरंत पूछिए, तुरंत सब कुछ क्लियर कीजिए। 2 महीना बहुत इनफ है यार, मैंने मेरा जो पहला अटेम्प्ट था मैंने 2 ही महीने में क्लियर किया था उसको। हाँ हाँ वो उसको बहुत अच्छे से कर लीजिए, वो सफिशियंट है। मैं वही तो बता रही हूँ ना कि मैंने अभी जो तीसरा रैंक जो मेरा आया ना वो केवल वही है कि मैंने सर की बात को ब्लाइंडली फेथ किया, अगर वो भी नहीं आता, अगर मैं इसमें भी अगर अपना थोड़ा बहुत दिमाग लगाती इधर उधर मुझे करना है करके तो अभी भी नहीं आता मेरा तीसरा रैंक, मैं कहीं पीछे होती। ठीक है, कांग्रेचुलेशंस मैम फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू मैम। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि मेरे को तो पढ़ाई वाला उससे दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है मैम कि जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हमारे फैमिली सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि आपको ये बोला जाता है कि आपको जो पहले जॉब मिल रहा है वो आप पहले कीजिए, तो इस कंडीशन में हम कैसे ये डिसाइड करें मैम कि या उस जॉब को कर लें या हमारा जो मेन टारगेट है उसके लिए हम उसको छोड़ दें, क्या इसके बहुत ये ना एक चीज मेरे साथ हुई थी, मैं उस समय एग्जाम दिलाती थी तो मेरे को पटेल सर बहुत चिल्लाते थे, वो बोलते थे कि तू छोटा एग्जाम मत दिला, है ना, तो ये ऐसा नहीं है, अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि आपको जॉब करना एकदम जरूरी है या फिर अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हो या फिर अपने आप को मैनेज कर सकते हो, कई लोग ऐसे होते हैं जो जॉब करते करते मैनेज भी कर लेते हैं, तो ये तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, अगर आप ऐसा कर सकते हो तो आप जॉब भी कीजिए, आप जो भी अचीव किए हो वो चीज ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते, आपके अगर पढ़ाई में वो चीज बाधक हो रही है तो फिर मेरी राय पर्सनल राय यही रहेगी कि आप लीव ले लीजिए, है ना, जैसे वो होता है ना नो वर्क नो पेमेंट, वो सब में लीव ले लीजिए फिर अपनी पढ़ाई कीजिए, ये मतलब टोटली ऐसा है, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है ये, आप अगर मैनेज कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो फिर वो आपके ऊपर है ना। वो तो ठीक है मैम, लेकिन जनरली फैमिली वाले ऐसा बोलते हैं कि
अभी का सर्कमस्टेंस ऐसा है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल नहीं रहा है, अब आप उस जॉब को छोड़ रहे हैं, तो फिर वहाँ इंसान थोड़ा इमोशंस में नहीं ऐसा। देखो मैं एक बात बताती हूँ, ठीक है, पीएससी करने वाले बहुत आते हैं, लिटरली बहुत आते हैं, मतलब लाखों की संख्या में प्रीलिम्स का एग्जाम दिलाते हैं, लेकिन उसमें मुश्किल से चार से पांच सौ बस जो होते हैं ना वही बस सीरियसली तैयारी करते हैं। तो ये चीज ना दिमाग से उतार देना कि गवर्नमेंट जॉब बहुत टफ है, नहीं मिलता, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप पूरी तैयारी करके अगर आप दिलाते हो एकदम, आप अपने ऊपर ईमानदार रहिए, अगर आप तैयारी करते हो तो आपका निश्चित रूप से आप सफल होगे। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि मुझे एक जॉब कर लेना चाहिए, देखो सिक्योरिटी होती है, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं एक सिक्योर पोजीशन ले लूं उसके बाद आगे बढ़ूं, तो ये आपके ऊपर है। अगर आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड, ये आपका प्लस पॉइंट है। नहीं कर सकते तो मेरी पर्सनल राय है कि आप उसको मत कीजिए, आप पीएससी के लिए प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि फिर वो चीज आपको आपकी टाइम वेस्ट होगा। आप हो सकते हैं जो चीज आप 25-26 साल में ले सकते हो वो चीज 27-28 साल हो जाए। क्योंकि मैम जनरली ये होता है कि हम लोग ना क्या सोचते हैं, मतलब 90% या 95% पीपल यही सोचते हैं कि कोई एक जॉब कर ले, उसको करते करते हम आगे तैयारी करें, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि शायद पूरा फोकस नहीं हो पाता है, तो फिर पर्सनल मतलब आप वही बोल रहे हैं कि हाँ, मेरा तो पर्सनल यही है कि अगर आप कर सकते हो तो प्लस पॉइंट है, नहीं कर सकते तो अगर आपका लक्ष्य बड़ा है और नहीं कर पा रहे हो तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, नो वर्क नो पेमेंट में ले सकते हो या फिर छोड़ भी सकते हो, वो आपके ऊपर है ना। और बहुत सारे एग्जाम्स भी होते हैं, उनको क्या करें मैम? एग्जाम्स दिलाइए, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि जब आप एग्जाम दिलाते हो तो बहुत सारे हेजिटेशन होती है। जैसे मैं अभी हमारी बात हो रही थी, सर बता रहे थे, मेरी एक फ्रेंड है वो बहुत अच्छी वो पढ़ने में, पर वो एग्जाम नहीं दिला रही थी, तो जब वो मेन हम लोग का जो पीएससी का एग्जाम हुआ तो उसमें हड़बड़ा गई वो, तो ऐसा कम से कम ना हो। तो इसके लिए व्यापम के बहुत एग्जाम्स होते हैं, आप दिलाइए, एग्जाम दिलाओगे तो आपको नुकसान कुछ नहीं होगा, फायदा ही होगा, एग्जाम दिलाइए। थैंक यू मैम, वेलकम। अच्छा मेरे को एक मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप लोग बताइएगा, आपको क्या लगता है पीएससी कठिन है कि सरल है? कितने लोगों को हार्ड लगता है, हाथ उठाना। अरे वाह, किसी को हार्ड नहीं लगता। हाँ बस आगामी सब डिप्टी कलेक्टर यहीं से होने वाले हैं। नहीं, लेंदी है, यस गुड, ये सही आंसर था जी। हाँ लेंदी है। मैं हमेशा इस चीज को बोली हूँ, ये पूरा ना साइकोलॉजिस्ट, मेरे को लगता है कि ना जब हम लोग का पीएससी का कुछ सिलेबस वगैरह तैयार हो रहा होगा ना, तो एक उसमें साइकोलॉजी भी साइकोलॉजिस्ट रहा होगा उस मेंबर में, क्योंकि ये सच में हम लोग का जो पीएससी है ना, आपको सारे सब्जेक्ट्स के जो नॉलेज है, थोड़ी थोड़ी नॉलेज, ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप पढ़ के इंटरव्यू भी जब आप फेस कर लोगे ना, तब आपकी खुद की पर्सनालिटी में इतना ड्रास्टिक चेंज आएगा, जब आप एक नॉर्मल पीएससी स्टूडेंट्स या फिर नॉर्मल अदर ग्रेजुएट और आप एक पीएससी, नॉर्मल पीएससी बोल रही हूँ ना मैम, आप दोनों की पर्सनालिटी में बहुत अंतर रहेगा, क्योंकि आप वो सब चीज जानोगे। तो इसको ना लेंदी भी मत समझना, ये बस ऐसा है कि आपको बेसिक नॉलेज दे रहा है कि आपको क्या, जैसे संविधान है, आप जानते थे आपको इतने अधिकार मिले हैं? नहीं, कभी नहीं जानते थे, हम लोग ग्रेजुएट कर लेते लेकिन हमको नहीं पता होता। तो ये बस वही है कि आपको एक बेसिक नॉलेज दे रहा है, इसको बहुत इंजॉय करना, ये बहुत बहुत अच्छा फील्ड है। मैं हमेशा बोलती हूँ इस चीज को कि पीएससी पास करना वो तो अलग मैटर है, जॉब करना, पीएससी क्लियर करना, बट पीएससी की पढ़ाई अपने आप में बहुत अच्छी पढ़ाई है, तो इसको हमेशा एंजॉय करके पढ़ना, और कठिन सच में नहीं है ना, आप लोग नहीं उठाए ना, मतलब बहुत अच्छा है, आप लोग के सबके लिए सरल है, सब यहीं से डिप्टी कलेक्टर होने वाले हैं ऑफिसर्स। डाइवर्ट तो डर से नहीं होना, डाइवर्ट है ना, और थोड़ा सा पेशेंस रखना है अपने को, पेशेंस इसलिए रखना है क्योंकि पीएससी जो एक एग्जाम है ना, वो आज एक या दो दिन का एग्जाम नहीं है, उसमें 1.5-2 साल उसके केवल प्रोसीजर में लगता है, 1.5-2 साल, तो हमको पेशेंस रखना है, बस हमको वो डर को हटाना है, और वो जो हमारे अंदर में रहता है ना, जैसे जल्दी हो जाए, सब जल्दी हो जाए, सब फटाफट हो जाए, इस जो हमारी हैबिट है इसको हटाना है, बाकी फिर हर चीज एंजॉय करो, हर चीज करो लाइफ में, लेकिन वो चीज पढ़ाई के आड़े नहीं आनी चाहिए बस। बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स होते हैं, जैसे मेरी काफी सारे फ्रेंड्स हैं, तो जो कॉलेजेस में हैं अभी या घर के आसपास रहते हैं, तो हमारी कंटिन्यूशन पढ़ाई है, 10 दिन हमने कंटिन्यू पढ़ा, उसके बाद कोई फ्रेंड आ गया बाहर से, अरे चल आज 2 दिन नहीं पढ़ेगा तो कुछ हो जाएगा क्या,
कलेक्टर भी बन जाएगा, हो जाएगा बहुत कुछ होगा ना। तो उनको मना करने में क्या हेजिटेशन होता है कि उनको हम मना करेंगे? ठीक है, एक बार मना कर देते एक दोस्त को, नहीं घर वाले ना आपके ऊपर, चलो वहाँ चलो, ये सारी ये पूरा आपके ऊपर। हाँ, ये पूरा सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो, अगर मैं अपने एग्जाम्पल देती हूँ, मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जिनसे मैं 2 साल 3 साल या फिर ऐसा होता है कि केवल उनके, इवन मुझे तो बर्थडेज भी याद नहीं रहते, वही मुझे फोन करके बताते आज मेरा बर्थडे, मेरे को विश कर दे, मतलब ऐसे हैं मेरे दोस्त। तो अब क्यों है वो ऐसे? क्योंकि वो लिटरली चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं, है ना, वो लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं पे अगर कोई मेरा दोस्त होता तो वो मुझे जबरदस्ती कि चल मॉल चल, चल यहाँ चल वहां चल, है ना। तो कम से कम आप समझो कि आपके कौन से दोस्त आपके फेवर में हैं, और ये तो पूरा टोटली पर्सन टू पर्सन के ऊपर है। आप अपने मेंटली आप अपने आप को इतना स्ट्रांग रखिए, आप अपने आप को अपने दोस्तों को समझाइए कि मुझे अब जिस फील्ड में हूँ उसमें मेरे लिए एक दिन क्या एक घंटा भी अगर मैं वेस्ट करता हूँ तो मेरे को बहुत नुकसान हो जाएगा, है ना। तो ये तो आपके ऊपर है पूरा। लेकिन हाँ, जो भी करना है आप हर चीज एंजॉय करो, हर चीज करो, लेकिन वो सब चीज पढ़ाई के बीच में नहीं आनी चाहिए, बस इतना है। पढ़ाई टाइम टू टाइम करो, अगर कहीं घूमने भी जा रहे हो तो कम से कम इतना कि आप अपना टारगेट कंप्लीट करके जाओ। लेकिन मतलब घूमना फिरना भी जरूरी है, हर एक चीज करना जरूरी है, क्योंकि वो सारी चीजें आपको बहुत फायदा करती हैं। आप बाहरी नॉलेज भी आपको बहुत फायदा करता है, आपके इंटरव्यू में फायदा करता है, आपको मेंस में फायदा करता है, है ना। लेकिन वही है बस, आपको केवल वही नॉलेज रखना है जो आपके काम है, फालतू चीजें नहीं ना। और वो तो आप सब इतने बड़े हो कि आपको सबको पता है कि क्या चीज मेरे को आगे बढ़ाएगी, क्या चीज मेरे को पीछे करेगी, है ना। तो ये सब आपके ऊपर है। करंट अफेयर्स के लिए किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए मैम? क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से भी उठा लेते हैं, साल भर का हो, 2 साल पहले का हो। तो मैम करंट अफेयर के लिए किस टाइप के फैक्ट्स हम लोग को जानने? करंट अफेयर के लिए आप न्यूज़पेपर जैसे रीड करते हैं तो खुद के नोट्स बनाइए, मतलब जैसे न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं एक पतली सी कॉपी बना लीजिए और उसी में मेंटेन कीजिए। और खुद के जब करंट अफेयर जब आप एग्जाम के टाइम पढ़ोगे तो वो जल्दी आपको याद होंगे, मतलब जैसे कि आप खुद बना रहे हो उसको लिख रहे हो तो एक तो वैसे ही आपको याद हो गए। मैम एक्चुअली मेरे को ये पूछना था कि जैसे इंटरव्यू में किस चीज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं वहाँ के जो ऑफिसर्स रहते हैं? इंटरव्यू में तो सब क्वेश्चंस पूछते हैं, सारे क्वेश्चन जो आप प्रीलिम्स में पढ़े हो वो भी पूछेंगे, मेंस के भी क्वेश्चन पूछते हैं, करेंट के भी क्वेश्चन पूछते हैं। और मेरा इंटरव्यू तो बहुत अलग हुआ था, मेरे इंटरव्यू में तो मेरे को ही डोमिनेट कर रहे थे ये, मतलब इंटरव्यू ऐसा नहीं होता, वो पर्सन वो भी ऐसे ही पर्सन टू पर्सन डिफर करने वाली चीज है। मेरा इंटरव्यू हुआ था तो उसमें ये था कि मुझे बहुत डोमिनेट किए थे सर लोग, जितने भी मेरा विश्वकर्मा सर के बोर्ड में था, और ऐसा था कि मेरे को सर ने नोटबंदी के लिए पूछा था, करंट से क्वेश्चन हुए थे, फिर मुझे बहुत डोमिनेट किए कि आपको कुछ नहीं पता, आप प्रशासन नहीं कर पाओगी, कैसे प्रशासन करोगी, आप तो शहर में रहने वाली लड़की हो, मतलब इस तरीके से। वो चेक करते हैं कि आपको आप वो जो टेंस सिचुएशन है आप उसमें मेंटेन कर पाओगे कि नहीं। तो इंटरव्यू हर का अलग अलग होता है वो, और वो सारे क्वेश्चन पूछते हैं, इवन आपके प्रीलिम से भी क्वेश्चन पूछते हैं, महानदी कहाँ से बहती, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है इंटरव्यू में। इंटरव्यू में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान के पूरे वो मौलिक कर्तव्य गिनाओ, वो हर एक क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें कोई आपको क्लैरिफाई नहीं कर सकते कि अपन की ये केवल एक पोर्शन ही सिलेबस है और वहीं से क्वेश्चन उठेगा। अब दोनों बच्चियां हम सभी टीचर से पढ़ी हुई हैं, दीक्षित सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके अंदर की खूबियां आप लोगों के सामने लेके आए। बाकी पूछ लिए जो पूछना था? हाँ, क्या पूछे? अभी इंटरव्यू का क्वेश्चन पूछते, अभी इंटरव्यू से क्या लेना है तुम्हारा? कोई जब सफल व्यक्ति आता है ना तो आपको उससे ये नहीं पूछना चाहिए कि क्या आता है, इंटरव्यू में क्या किए, कैसे किए। आपको ये पूछना चाहिए कि उसकी सफलता की राहें कैसी थी, उसमें उसको क्या क्या परेशानियां आई, क्या क्या दिक्कतें आई, क्या तकलीफ उसने देखा। और मेरे को सर ने कहा है खूबी गिनाने के लिए तो नहीं, बहुत मुश्किल काम नहीं बेटा। मैं एक बात आपको बताता हूं बहुत अच्छे से, दोनों
बेटियां अपनी पहली बार की तैयारी में भी तहसीलदार बनी है ना। रुचि जो है 2013 वो मेरा पहला बैच था जब मैं प्रिलिम्स पढ़ा रहा था, मेरा डेब्यू था इस क्षेत्र में। और उस बैच में ये लोग थे, सर थे, रुचि थी, इनका बहुत अच्छा ग्रुप था, दिनेश शर्मा सर अभी महासमुंद में टीचर भी हैं और क्लास टू ऑफिसर भी हैं एबीओ में। तो इन लोगों का बहुत अच्छा ग्रुप था। उस समय रुचि जो है वो अंडर एज थी, इसलिए 2013 पीएससी नहीं देते है ना, और 2014 पीएससी है थी, और 2014 पीएससी में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इंटरव्यू दिए और 216 रैंक था है ना फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। तो वो तैयारी जो है इन लोगों की, दिशा देखो बोलते हैं ना कि वो पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं, तो ये लोग क्या है जो तैयारी किए हैं, जो दिशा था इनका शुरू से एकदम सही दिशा था। और पढ़ाई को लेकर के गंभीर रहना, नोट्स बनाना, करंट के ऊपर ये लोग उस समय क्लास में डिस्कशन भी किया करते थे, इनका ग्रुप भी हुआ करता था। तो जितनी बातें क्लास में बताई गई सबको बहुत अच्छे से मानना, फॉलो करना, ये इन लोगों की खूबी थी। लेकिन 2016 में जो लोग का रिजल्ट आया, 15 में, 2014 पीएससी का, उसके बाद रुचि जो है काफी ज्यादा डिप्रेस्ड थी कि जो रैंक ये चाहती थी वो नहीं मिला। हालांकि हमारी नजर में फर्स्ट अटेंड में ही 216 रैंक लाना भी अपने आप में काबिले तारीफ है, लेकिन अपने आप को फिर से एक बार मजबूत किया इसने, तैयारी चालू किया, और तैयारी चालू करके आपके सामने थर्ड पोजीशन पे। तो कहीं ना कहीं जब हमारे साथ बुरा होता है तो ये इस बात का संकेत होता है कि बहुत अच्छा होने वाला। तो रुचि की आज जो सफलता है उनकी अपनी मेहनत, लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति, उसकी वजह से वो सफल। अब पहले अटेम्प्ट में ही ये तहसीलदार बने देखो, और पहले अटेम्प्ट में ही पोस्ट लेना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कितनी सिंसियर अपनी पढ़ाई को लेकर के है ना। और उसके बावजूद भी आज भी आप देखते होंगे सुबह 7 बजे से लेकर के जब तक क्लास चलती है क्लास में बैठी रहती है, कोई ये नहीं है कि पोस्ट ले चुकी हूं ऐसा है वैसा है, कोई भी अंदर में वो चीज नहीं, हम सफल हैं तो इस टॉपिक को हम नहीं पढ़ेंगे, ये हम पिछले बार पढ़े हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है लोगों में। तो ये लोग आप लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। जब रुचि से मुझे पता चला कि रुचि जो है थर्ड पोजीशन में आई है, तो रुचि से जब बात हो रही थी तो मैंने इसको बोला था कि बेटा दुनिया में लोग सफल होते हैं लेकिन तुम्हारी सफलता जो है लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत होगी। सच में ये एक इंस्पिरेशन है रुचि की सफलता। इसलिए आप देख रहे होंगे कि हर जगह हर कोई जो है जहां पर भी जहां से पढ़ी हैं लिखी हैं हर जगह से इनको बुलाया जा रहा है। तो बस प्रेरणा लें आप लोग, देखें अब सफलता के पीछे क्या राज है, क्या खा करके रुचि ने एग्जाम दिया, क्या मंदिर में घूमते रहती थी कि भाई माता रानी हमको पास करवाए। तो ये सब आप पूछो वो ट्रिक्स क्या थे है ना, इनसे पूछो वो ट्रिक क्या थे कि कैसे हमको तैयारी करनी चाहिए। आपके लिए मुद्दे का सवाल वो होना चाहिए, समझ रहे हो ना। बस तो किसी को पूछना है तो वो पूछो कि आपके जीवन में क्या परेशानी है, पढ़ने के दौरान आपको सबसे बड़ी कठिनाई क्या महसूस हुई, टाइम मैनेजमेंट कैसे कर देंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 216 रैंक पर गई तो पहले अटेम्प्ट में क्या तकलीफ फेस की थी, आप में से बहुत सारे लोग एकदम बिगिनर हो गए, समझ रहे हो ना। तो वो सारी चीजें आप लोग बात कर सकते हैं तो आपको दोनों मैडम लोग जो है जवाब देंगे है ना। अब मैं चाहूंगा कि इनका जो मेहनत है आपके सामने, जो आप ऑलरेडी सिलेक्टेड पर्सन बैठे हुए हैं, आप लोग इंस्पायर होइए उन लोगों से, उनके मेहनत से। और पीएससी मतलब बार बार आपको बोल रहा हूं पेशेंस। कुछ लोग होते हैं कि घर वालों के बोलने से आ जाते हैं, कुछ लोग होते हैं कि अपने दोस्तों को देख रहे हैं कि पीएससी कर रहे हैं तो आ गए, या कुछ लोग होते हैं वैकेंसी के बाद आते हैं फॉर्म भर लेते हैं और फिर पढ़ने आते हैं। इसमें बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो एक बार अटेम्प्ट दिलाते हैं, एक अटेम्प्ट दिलाए, पेपर दिलाए, उसके बाद रिजल्ट का वेट करते हैं, है ना। तो डोंट वेट फॉर रिजल्ट, आप सिर्फ पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, क्योंकि पीएससी मतलब आपको एक ना एक दिन पोस्ट पाना ही है, और बस आप उसके लिए तैयारी में लगे रहिए, रुकना कभी नहीं है, थमना कहीं नहीं है।
हालांकि ये डिप्टी कलेक्टर बन गई, लेकिन आज से इसका एक नया रोल शुरू हो गया। अभी ये उस परीक्षा में टॉप की है जो इसको एक नई जगह दे रहा था, और आज से हमारी शुभकामनाएं आशीर्वाद है कि जिस नए जगह में गई वहां और भी नाम कमाए, जो समाज के लिए बड़े से बड़ा काम करे, एक अच्छा काम करे, एक नया काम करे जिससे इसका नाम रोशन हो। और खासकर जो मैंने बताया, अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है, एक बेटी है और बेटों से बढ़ के काम की है, तो ये हमारी सबकी शुभकामनाएं इसके साथ है, आशीर्वाद इनके साथ है, और यही आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। कौन क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कौन कितना मेहनत किया वो इम्पोर्टेंट है, मेहनत के बाद अचीवमेंट मिलेगा ही, बस इस चीज को ध्यान रखिए आप लोग, है ना। बहुत बहुत दोनों को बधाइयां और नए कार्य क्षेत्र के लिए शुभकामनाएं, आशीर्वाद। देखो इतना सम्मान होगा, पोस्ट ले लो। ये जब से रिजल्ट आया तब से एक ऐसा दिन नहीं कि ये घर पे रही हो, इसके प्राइमरी स्कूल से लेके कॉलेज तक के सभी जगह जहां जहां पढ़ाई की है सभी जगह बुलाया गया, सम्मान दिया गया, और 26 जनवरी के दिन दो दो जगह झंडा फहराने के लिए इनको बुलाया गया था। बेचारी दुविधा में आ गई थी कहां जाऊं, फाइनली अपने इंजीनियरिंग कॉलेज गई। है ना। और ये आप लोगों के लिए, आप लोग देखिए समझिए, मैं बोला ना देख के दिल में आग पैदा करो, बस वही चीज है, बहुत चीजें मिलती है। और जो सबसे बड़ा मन का जो सुख है, शांति है कि हम अपने और अपने घर वालों के लिए, अपने गुरुजनों के लिए हम एक सक्सेस लेके आ गए हैं, उससे बड़ा खुशी कुछ नहीं हो सकता।